मुंबई स्थित वर्ली में डॉक्टर अंबेडकर भवन ट्रस्ट की तरफ से बुद्धा विहार हॉल में 10वीं और 12वीं की डिग्री में पास हुए छात्रों को गौरव समारंभ का आयोजन किया गया, जहां पर पास हुए बच्चों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुंबई पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी योगेश कुमार सर, वर्ली पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस अधिकारी अनिल कोहली, धारावी पुलिस स्टेशन के अधिकारी सुशील जाधव, महाराष्ट्र स्टेट के ओलंपिक मारिया पटेल, हास्य कलाकार चेतन यहां मौजूद रहे। आए हुए सभी मेहमानों का डॉक्टर अंबेडकर भवन ट्रस्ट की तरफ से सॉल और फूल गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आए हुए मेहमानों ने बच्चों के कैरियर को लेकर भी चर्चा की और अपनी अपनी राय रखी और कई मोटिवेशनल बातें भी कही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए उन्हें अधिक मदद भी दी जाएगी। और आए हुए सुनते हैं इस मौके पर आए हुए मेहमानों का क्या कुछ कहना था मीडिया से खास बातचीत में। देखें मुंबई से यह खास रिपोर्ट। मेरा नाम है सतीश रघुनाथ चौहान। अंबेडकर भवन ट्रस्ट तथा बुद्ध विहार वरळी ट्रस्ट का मैं चेयरमैन बात कर रहा हूँ। आज जो फंक्शन है 10वीं 12वीं और 15वीं के बच्चे लोग के लिए गुण दौरो, जो बच्चे उना रहे उनको प्रोत्साहन दिया जाता है संस्था के मार्फत से। वर्ली के जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे ज़्यादा परसेंटेज से यहाँ पे पास हुए आए हैं, तो उनका सम्मान ये संस्था हर साल किया जाता है। ये संस्था के माध्यम से बच्चों के लिए एजुकेशन पे ज़्यादा काम किया जाता है। जितने भी बच्चे गरीब मध्यम वर्गीय घरों से हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप, उनके लिए एजुकेशन के लिए ये संस्था तात्पर्य काम करती है। बच्चों के लिए जो भी कई कठिनाई है पढ़ाई के बारे में, यहाँ पे हमारे सब सर लोग उनको पढ़ाई का काम अच्छी तरह से करके लेते हैं। क्या उन्हें किसी तरह की आर्थिक मदद भी दी जाती है? हाँ, यहाँ पे जो बच्चे उन्हा रहे उनको स्कॉलरशिप के माध्यम से उनके लिए आर्थिक मदद की जाती है। कब से आप इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? मैं यहाँ पे यहाँ ट्रस्ट पे 16 साल हुआ हूँ चेयरमैन पे आया, लेकिन ये संस्था ट्रस्ट आज 50 साल हुए 68 में यहाँ पे ये संस्था की स्थापना हुई। वॉज अ वंडरफुल इवेंट विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ अंबेडकर भवन ट्रस्ट एंड एडुग्रिड फाउंडेशन विद अलॉन्ग विद कृष्णा टुटोरियल्स। दिस प्रोग्राम वॉज अबाउट
around students who passed out 10th standard, 12th standard and graduated from, you know, degree 15th standard. They were felicitated today with the presence of many wonderful guests today. Okay, around 300 students attended today's session, and they got inspired from different speakers. Okay, and it was a great and wonderful event. EduGrid Foundation is basically is associated with helping students in this area. The area is largely crowded by lower middle class families who are struggling to, you know, get best education for their children. So here we have students close to, you know, 1100 students attending with getting coaching with very reasonable scholarships. Like for example, to give you, 11th standard students study the entire year for only for 1,800 rupees. So for every standard, that kind of a you know, benefit is there. So there is no and all the teaching staff are chartered accountants, MBAs and engineers and master graduates who have been teaching over here for the students. They are trying to support the cause and get quality education to these students and get them ready for the future. स्पेशली वर्ली इलाके का हूँ मैं, हिंदी में बात करूँगा. वेदर इट इज़ ऑल बॉयज़ एंड ऑल स्टूडेंट्स आर अवर मराठियन स्टूडेंट इज देयर मोस्ट ऑफ द डे, बट आई एम ऑल्सो ओवरलीयर. बहुत साल से मैं यहाँ पे रहता हूँ. ये अम्बेडकर भवन और यहाँ के माहौल को मुझे जानकारी है, और ये ट्रस्ट के जरिए बहुत सारे काम यहाँ पे होते हैं, बच्चों के सिलसिले में होते हैं, खेल के सिलसिले में होते हैं, और बहुत एजुकेशनल और सामाजिक सोशल वर्क वहाँ पे होता है. उस तरह के आज का ये प्रोग्राम था. जिन्होंने 10th 12th और डिग्री के इसमें जिन्होंने भी अच्छा काम किया था, अच्छे उनके रिमार्क्स मिले थे, अच्छे उनके परसेंटेज मिले थे, उनको चुन के यहाँ पे उनका जो गौरव किया था, एक बहुत सराहनीय है और मोटिवेशनल है, और बच्चों के लिए और वर्ली करके अन्य बच्चों के लिए भी है. उनके पेरेंट्स भी आए थे, उन्होंने भी अपने बच्चों को किस तरह से सत्कार किया जाता है वो देखा है. एक अच्छी चीज़ है, और ये संस्था के मार्फत और इस जरिए होता रहता है, हमेशा सालों साल होता रहता है. ये भूमि बहुत पावन है, क्योंकि यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना एक मुकाम किया था, और एक पेड़ भी है पिंपल का उनके हाथों से लगा हुआ. क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर तो सबको जानते हैं कि जिन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड में अपने इंडिया में संविधान लिख के जो अपना एक अलग मुकाम बनाया, वो इंस्पिरेशन काम है बच्चों के लिए भी और औरों के लिए भी है. इस तरह के सम्मान से बच्चों का कितना मनोबल बढ़ता है? इस तरह से अगर कार्यक्रम की जाते हैं तो मनोबल बढ़ना ही है, क्योंकि कुछ कुछ करने से ही कुछ आगे बढ़ते हैं सब. तो थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ये सिलसिला आज भी है, और समाज के विभिन्न क्षेत्र से काम करते हैं. यहाँ के जो ट्रस्टी है, सचिन चेहरे है, मोरे है और वाघमारे साहब है, जितने भी ट्रस्टी मेंबर है, और हम लोग जिस तरह से आज हमारे साथ में कल्याण से राष्ट्रीय प्लेयर्स मारिया पटेल साहब है, ओलंपिक प्लेयर से पार्टिसिपेट करते वो प्लेयर्स है, ये इन तरह के लोगों को बुला के इनको बच्चों के सामने फेस करके उनको जो मोटिवेशन करते हैं, ये काम बहुत बढ़िया काम है, और उसको प्राउड करता हूँ कि वर्ली के और ये ट्रस्ट के माध्यम से सम्मानित किया. अपने हाथों से क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके करियर को लेकर? हाँ जी, अंबेडकर भवन ट्रस्ट ने जो प्रोग्राम रखा था बहुत ही बेहतरीन था, और ऐसे प्रोग्राम हमेशा होने चाहिए बच्चों के मोटिवेशंस के लिए. अपने करियर को लेके जब 10वीं के बाद 12वीं के बाद बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किस क्षेत्र में जाए, तो उनको क्या करना चाहते हैं, उनके कन्फ्यूजन को कैसे दूर करना चाहते हैं? कन्फ्यूजन सर, जो उनमें बेस्ट है, उन्हें जो रुचि है तो वो अच्छा कर सकते हैं. उन्हें खुद को पता है कि हम किस में बेस्ट कर सकते हैं. कोई भी चीज़ करे वो तो उन्हें पता होना चाहिए बेस्ट किस में है. और कोई भी फील्ड हो सर, स्पोर्ट हो, एजुकेशन हो, लगन से की जाए तो सक्सेसफुल होता है. जैसे कि आप स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं, गर्ल्स को क्या कहना चाहेंगे स्पोर्ट्स से जुड़ने के लिए? मेरा है एजुकेशन के साथ हर गर्ल्स या बॉयज़ को स्पोर्ट में रुचि रखनी चाहिए, एक्टिविटीज़ के लिए हर गेम, मतलब स्पोर्ट बेस्ट है, स्पोर्ट में रहना ही चाहिए सर एजुकेशन के साथ. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज.